हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है टॉयलेट विदाउट फ्लश टैंक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टॉयलेट विदाउट फ्लशिंग टैंक भी पॉसिबल है। मेट्रोपोल फ्लश बल्ब का यूज से ये पॉसिबल हो जाता है। इस फ्लश बल्ब को यूज करने से टॉयलेट में यूज होने वाले फ्लश टैंक की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने पिछले वीडियो में फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी और वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी में आपको डिफरेंस बताया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि आप फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी, वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी और डब्ल्यूसी विदाउट फ्लश टैंक में क्या क्या अंतर है यह समझ पाए। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि मेट्रोपोल फ्लश बल्ब फिनिशिंग सिस्टम क्या है, मेट्रोपोल फ्लश बल्ब कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा मेट्रोपोल फ्लश बल्ब बेस्ट है। साथ ही आपको बताएंगे टॉयलेट बिना फ्लश टैंक के बेहतर है या फ्लश टैंक के साथ। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, फ्लोर माउंटेड डब्ल्यूसी में फ्लश टैंक विजिबल होता है और वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी में फ्लश टैंक वॉल के अंदर कंसील्ड होता है। उसी प्रकार मेट्रोपोल फ्लश सिस्टम में फ्लश टैंक होता ही नहीं है, यह डायरेक्ट ओवरहेड वाटर टैंक से कनेक्ट होता है और पुश बल्ब प्रेस करने पर 2 से 4 लीटर पानी को डब्ल्यूसी में डिस्चार्ज करता है। मेट्रोपोल फ्लश बल्ब 5 प्रकार के आते हैं। पहला है मेट्रोपोल फ्लश बल्ब रेगुलर राउंड प्लेट, दूसरा है मेट्रोपोल फ्लश बल्ब डुअल राउंड प्लेट, तीसरा है मेट्रोपोल फ्लश बल्ब रेगुलर स्क्वायर प्लेट टाइप, चौथा है मेट्रोपोल फ्लश बल्ब डुअल स्क्वायर प्लेट टाइप, पांचवा है मेट्रोपोल फ्लश बल्ब विथ लॉन्ग प्रेस ऑपरेटिंग लेवल। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। मेट्रोपोल फ्लश बल्ब रेगुलर 40 mm और 32 mm साइज में आते हैं। यह सिंगल पुश फ्लशिंग सिस्टम है जो एक बार में 4 लीटर पानी डिस्चार्ज करता है। नेक्स्ट है मेट्रोपोल फ्लश बल्ब डुअल राउंड प्लेट, यह 32 mm और 40 mm के साइज में आते हैं। यह डबल पुश फ्लशिंग सिस्टम है जिसका आधा पुश करने पर 3 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है और पूरा पुश करने पर 6 लीटर पानी डिस्चार्ज होता है। यह राउंड और स्क्वायर शेप में आ जाते हैं, आप अपने चॉइस से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग प्रेस फ्लश बल्ब, यह 25 mm और 32 mm की साइज में आते हैं। इस फ्लश बल्ब के लीवर को फ्लशिंग के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है, लीवर छोड़ते ही पानी अंदर आना बंद हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि टॉयलेट फ्लश टैंक के साथ होना चाहिए या बिना फ्लश टैंक के, कौन सा आपके घर के लिए या आपके ऑफिस के लिए यूज करना बेहतर रहेगा। चलिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक तरफ है टॉयलेट विद फ्लश टैंक और दूसरी तरफ है टॉयलेट विदाउट फ्लश टैंक विद यूज ऑफ मेट्रोपोल फ्लश बल्ब। टॉयलेट विद फ्लश टैंक से शुरू करते हैं। इसमें फ्लशिंग के लिए पानी टैंक में स्टोर होता है जो कि आपके डब्ल्यूसी से ही डायरेक्ट कनेक्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ टॉयलेट विदाउट फ्लशिंग टैंक में फ्लशिंग के लिए पानी डायरेक्ट ओवरहेड वाटर टैंक से आता है। टॉयलेट विद फ्लशिंग टैंक में प्रेशर पंप की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं दूसरी तरफ टॉयलेट विदाउट फ्लशिंग टैंक में प्रेशर पंप की जरूरत पड़ती है। बिना प्रेशर पंप के भी फ्लश टैंक सही काम करता है अगर इनलेट लाइन 32 mm या 40 mm की डायरेक्ट टैंक में कनेक्ट की गई हो तो। आपके यहाँ अगर खारे पानी की समस्या है, यानी कि पानी में आयरन अधिक मात्रा में है, तो फ्लश टैंक वाला टॉयलेट नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि टैंक के अंदर का मैकेनिज्म खारे पानी में आयरन के अधिक मात्रा के प्रेजेंस की वजह से जल्दी खराब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेट्रोपोल फ्लश बल्ब खारे पानी में भी अच्छा काम करता है और लंबे समय तक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। फ्लश टैंक वाले टॉयलेट में रिपेयर और मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च आता है, वहीं दूसरी तरफ टॉयलेट विदाउट फ्लशिंग टैंक में रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर कम खर्च आता है। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर यानी कि खारे पानी की समस्या है तो मेरा सजेशन है कि आप मेट्रोपोल फ्लश बल्ब का ही यूज करें और उसे ही लगवाएं, क्योंकि यह वॉल माउंटेड डब्ल्यूसी की तरह ही सेम लुक और फील देता है और इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर होता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्लम्बिंग वर्क स्किल्ड वर्कर से ही करवाएं, क्योंकि अनस्किल्ड प्लम्बर का काम पहले तो आपको बहुत सस्ता लगेगा पर बाद में वो बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप अपने घर का कोई भी काम देने से पहले कॉन्ट्रैक्टर का बैकग्राउंड जरूर चेक कर ले, ताकि आपका काम सही तरीके से हो सके और आपको फ्यूचर में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोज देखना पसंद करते हैं। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।